से। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 5 नए कानून समेत 15 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन परंपरा के अनुसार पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर कई अहम बातें कही तो विपक्ष पर इशारों पर तंज कसा। सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र कई मायनों में बेहद खास है। उन्होंने कहा कि 2024 का यह अंतिम कालखंड चल रहा है, यह देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 की स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, इसलिए संविधान सत्र में कल हम सब मिलकर संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत करेंगे। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है, देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के पचहत्तर साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे।